ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांजलिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस द एग्जाम्स आर वेरी फास्टली अप्रोचिंग एंड अपना स्ट्रेटेजी भी तैयार होना चाहिए। हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर क्या पेपर डिफिकल्ट आने वाला है क्या? स्टे ट्यून्ड, लास्ट में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि आई डोंट नो पेपर डिफिकल्ट आएगा या इजी, बट उसको कैसे मैनेज करना है। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग को चाहिए देन इन दैट केस प्लीज कमेंट पे मेरे को बता दो बिफोर आई फॉरगेट। ऐसे तो मेरा मैजिक बुक है, आप लोगों को मैजिक बुक का ई बुक भी मिल गया है एंड उसके अंदर सब फॉर्मूलाज एंड थ्योरी प्रैक्टिकल सब है, बट क्या आपको एग्जाम के लास्ट डे रिविजन के लिए एक कंपाइल्ड शीट चाहिए अराउंड 15-20 पेजेस का और सो ऑफ SFM एंड SCMP एज वेल? यस, सो इफ यू वॉन्ट दैट देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो संडे को वी विल ट्राई टू मेक इट एंड मंडे इवनिंग तक आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल, बट देन इट डिपेंड्स के एक या तो आप लोग पूरा कंफर्टेबल हो मैजिक बुक से, आपको जरूरत नहीं है, या आपने खुद बना लिया है तो भी टेंशन नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट इट अ PDF कंपाइलेशन ऑफ ऑल फॉर्मूलाज, खाली फॉर्मूला, उसमें आगे पीछे का कुछ नहीं, ना कोई थियोरी, ना कोई प्रैक्टिकल, ना कोई डेरिवेशन, खाली एज इट इज फॉर्मूला का पूरा शीट, इवन इन प्रॉब्ली योर SCMP। SFM में तो भर भर के फॉर्मूलाज है, बट SCMP में भी काफी सारी जगह पे जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग है, फॉर्मूलाज है, तो उसका पूरा अगर आपको एक कंपाइलेशन चाहिए देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू बाय मंडे इवनिंग। ठीक है, सो कहां पे मैं शेयर करूंगा? टेलीग्राम चैनल पे, बट डिपेंड्स इफ मेजोरिटी ऑफ यू ऑल कमेंट एंड मुझे लगा कि यस मेजोरिटी लोगों को चाहिए तो उतना हम भी एफर्ट डालेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स होपफुली। सो एक क्विक डिस्कशन पहले मैं आपको बता देता हूं, फ्री ई बुक जो भी आपका मैजिक बुक है वो अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फिल इन द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है, उसका लिंक वो फिल करना है एंड आपको लिंक मिल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैव ऑलरेडी गॉट द लिंक एंड यू हैव डाउनलोडेड इट, इन केस उसमें कुछ इश्यू आया लेट अस नो। नेक्स्ट, टेलीग्राम पे काफी दिनों से, ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है, वी आर डूइंग MCQs, फिल इन द ब्लैंक ऑडियो क्वेश्चंस, सो प्लीज ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल सो दैट इट विल बिकम बेनिफिशियल टू यू, क्योंकि स्पेशली SCMP एंड SFM का थियोरी ऐसा है जो अदरवाइज थोड़ा बोरिंग हो जाता है या करने का मन नहीं करता है, बट ये MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक ऑडियो नोट्स के थ्रू यू गेट कनेक्टेड टू दोज कॉन्सेप्ट्स एंड पढ़ने में भी मजा आता है, आप लोगों को सब रिकॉल भी हो जाता है। सो विदाउट फेल डू दैट इफ यू हैव नॉट डन इट। एक मिनट के शॉर्ट्स मैंने आप लोगों को बीच में पूछा था पब्लिक डिमांड पे, तो एक मिनट के शॉर्ट्स मैंने देना चालू कर दिया है। आई यूजुअली शेयर इट ऑन इंस्टा और इवन माय यूट्यूब एज वेल, तो वो चीज भी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लेट मी नो। चाय विद कॉस्टिंग है, चाय विद SFM का प्लान है, लेट्स सी इफ इफ टाइम परमिट्स आई विल डू दैट। SFM में मैंने 1 आवर रिविजन देना चालू कर दिया है, 4 चैप्टर्स ऑलरेडी डन, सो प्लीज वॉच देम आउट, ट्रस्ट मी 1 घंटे में जो तुम्हारे को वैल्यू एडिशन मिलेगा और एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2-3 बार उसको देख लो, दोज चैप्टर्स विल बी सेट इन योर हेड एकदम प्रोडक्टिव टाइम के साथ। मैंने वो सारी चीजें बनाई है विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर इन योर मॉड्यूल एंड द बिग अनाउंसमेंट, द मैराथन जिसका आपको इंतजार है फॉर SFM एंड फॉर SCMP बोथ ऑफ इट कमिंग ऑन 1st November आफ्टर FR पेपर एंड 7th November After SCMP paper, I will be waiting for you. आपको पता है क्या क्वालिटी होती है अपने मैराथॉन्स की एंड ट्रस्ट मी इट विल बिकम वेरी वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, सो प्लीज यूज दिस टू योर बेनिफिट। अब आ जाते हैं अपन लोग अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर। SFM और SCMP दोनों का स्ट्रेटेजी मैं शेयर करने वाला हूं यहाँ पे, सो प्लीज स्टे ट्यून। ठीक है, नाउ कब कौन सा क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरे नीचे कमेंट्स में पिन कर देता हूं कि SFM का स्ट्रेटेजी कब से कब तक है एंड SCMP का स्ट्रेटेजी कब स्टार्ट हो रहा है, सो दैट अगर आप ओनली ग्रुप 2 वाले हो तो आप डायरेक्टली SCMP पे जंप कर सकते हो, अगर आप ओनली ग्रुप 1 वाले हो तो आपको SFM का कब तक देखना है। ठीक है, वो मैं आप लोग को बता देता हूं, बट उसके पहले एक बर्निंग क्वेश्चन था, सर पेपर डिफिकल्ट आएगा क्या? मेरा आंसर है हाँ, और उससे भी इंपॉर्टेंट आंसर है आना ही चाहिए। यार अपन बीकॉम का एग्जाम नहीं दे रहे, अपन तो CA फाइनल का एग्जाम दे रहे,
तो सीए फाइनल के एग्जाम का जो स्टूडेंट है उसको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होके ही चलना पड़ेगा दैट पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. अगर इजी आ गया वेल एंड गुड, ठीक है, अच्छी बात है. बट प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड दैट यस द पेपर शुड बी डिफिकल्ट. नाउ व्हेन आई से डिफिकल्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आज की तारीख में डेफिनेशन क्या हो गया पता है डिफिकल्ट का, कि अगर आपके मॉड्यूल एमटीपी आरटीपी पास्ट पेपर से क्वेश्चन नहीं आया तो वो पेपर डिफिकल्ट है. सो मैं भी वही डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा हूं. तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वही एज इट इज क्वेश्चन आना चाहिए? ये तो गलत हो गया ना. फिर कैसे टेस्ट हो पाएगा कि कौन कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, कौन रट्टा मार के पेपर लिख कर आ रहा है? सो लेट्स बी ओपन फॉर दैट, लेट्स बिलीव इन आवर कॉन्सेप्ट्स. एंड अगर कुछ डिफिकल्ट या आउट ऑफ द मॉड्यूल और ये सब से पेपर आता है तो वो पेपर तो सेम ही रहने वाला है सबके लिए. सो जो बेटर है वो उसको अटेम्प्ट कर पाएगा और डेफिनेटली वो डिजर्व करेगा टू बिकम टू बी कॉल्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. आई नो ये टाइम पे बहुत डगमगाता है बट जो मेहनत करना था वो आपने कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड वो ही चीज अभी काम आने वाली है. अब आ जाते हैं अपन लोग एसएफएम के ऊपर स्पेसिफिकली. सो पेपर डिफिकल्ट आएगा तो डरने का है क्या? नहीं, आने दे भाई, एक नहीं तो दो नहीं तो तीन आने ही वाले हैं, आने दे. डर के क्या ही होगा, बोलते हैं ना वो एक चीज, जितना डरोगे उतना और डराएगा इंसान. सो नहीं, आने दे, पेपर डिफिकल्ट आने दे और जब वो पेपर आएगा फेस इट एंड मैनेज इट. सिंपल द वे द अदर्स जिन्होंने सबने यही सेम चीज, यही मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी सब पढ़ के जाने वाले हैं, पेपर सबके लिए सेम है. So, कौन एक लेवल ऊपर उसको बेटर अटेम्प्ट कर पाएगा, जो कॉन्सेप्चुअली साउंड है, जो मेंटली वो टाइम पे वो तीन घंटे के लिए स्ट्रांग रह पाता है, यू विल मेक द कट. चलो अब फटाफट आप लोग के साथ ये डिस्कशन में करने वाला हूं कि पहले स्टार्ट करो एसएफएम से, फिर बाद में एसएमपी के ऊपर भी आऊंगा. सो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में पढ़ाई करना इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. मैंने लॉजिकली कुछ सीक्वेंस रखा है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज है, बहुत बड़ा चैप्टर है एंड अप्रोक्सीमेटली मैंने ना नोट किया है 15 मार्क के लिए आ जाता है ये. तो प्लीज इसको बराबर से करना. डेरिवेटिव्स क्विकली हो जाएगा, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, बहुत एक्सटेंसिव नहीं है अगर आप स्मार्टली करोगे ना फटाफट, और मेरा एक एक घंटे का वीडियोस देखोगे ना यूट्यूब पे, ट्रस्ट मी दिस चैप्टर विल गो वेरी फास्ट एंड स्मूथ एंड विल गिव यू एटलीस्ट 10 मार्क्स जो एग्जाम में आएगा. म्यूचुअल फंड्स अगेन शॉर्ट है, फटाफट हो जाएगा, खाली फॉर्मूला बेस्ड है. सो होगा क्या बताएगा, ये तीन चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली से अगर अपन 35-40 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो एक चैप्टर को टाइम लगेगा, दो चैप्टर फटाफट हो जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई दोनों चीज वैल्यू एड वाली क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों काम हो गया आपका. फिर आता है एक नेक्स्ट मेरा पोर्टफोलियो मर्जर्स IRRM. सो अगेन पोर्टफोलियो है IRRM में, एक एक घंटे में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, गो थ्रू द माय यूट्यूब लेक्चर्स, मजा आ जाएगा. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक 10 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, अपने को पता है, एंड इट्स अ नाइस चैप्टर. सो ये अपने को एक सेकेंड फेज में यूजुअली करना है. फिर बाद में मेरे थर्ड फेज के लिए आ जाता है फॉरेक्स, IFM एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन. कॉर्पोरेट वैल्यूएशन फ्रेंकली स्पीकिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली उसमें कैश फ्लो मॉडल या उसमें से एक दो क्वेश्चन आ सकता है, बाकी फटाफट हो जाएगा. तो कल उठ के अगर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन थोड़ा छूट भी गया तो परवाह नहीं, हो जाएगा मैनेज इनकेस कोई क्वेश्चन आया तो. फॉरेक्स अगेन माई 2 आवर सेशन इज देयर, उससे सब चीजें क्लियर हो जाएगी आपको. IFM छोटू सा चैप्टर है, क्विकली कर लेना चाहिए. थियोरी चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट इग्नोर. और इसके लिए मेरा एक घंटे का मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया है, प्लीज एंश्योर वो एक घंटे का लेक्चर देख लो. मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं वो भी टेलीग्राम लिंक के ऊपर, डोंट वरी, एंड उससे आपका काम हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, डन है. अब ये मेरा सीक्वेंस आपको यही फॉलो करना है. तो सर थियोरी लास्ट में रखे चलेगा? सो थियोरी लास्ट में रखो, एक घंटा 15 पेजेस पूरा का पूरा मैंने थियोरी कवर करवा दिया. और डिटेल में अगर आपको थोड़ा चाहिए थियोरी, वो मैंने एक्चुअली May 23 के लिए बनाया था. अगर आपको चाहिए सर हमारे अटेम्प्ट के लिए भी थ्योरी का कुछ एक कंपाइल, बोलते हैं ना 4-5 चैप्टर जिसमें थ्योरी है, तो थ्योरी उसमें से ही आता है, उसको आपको चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर योर अटेम्प्ट एज वेल बिफोर योर पेपर. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अब प्रैक्टिकल है मेरे पास एंड थ्योरी है मेरे पास. यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप लोगों के पास यहाँ पे मैं दे चुका हूं. So, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्वेश्चन ऑफ SFM. सो इसमें सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के मैंने ले लिए विद सॉल्यूशन. सो ये देखो इधर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने ICI मॉड्यूल का भी रेफरेंस दे दिया है. तो आपको
कहीं पे और रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है। अभी से फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑप्टिमाइज बुक है, तो ऑप्टिमाइज बुक में मैंने ऐसे मार्क नहीं करा है क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5, नहीं ले भाई वो ऑप्टिमाइज का ही क्वेश्चन है ये। आईसीआई मॉड्यूल का भी रेफरेंस दे दिया है, सो आपके पास एक ही जगह पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, डन है। फिर बाद में थियोरी में दो इंपॉर्टेंट सबसे चैप्टर है मेरे हिसाब से, सिक्योरिटाइजेशन एंड दूसरा है स्टार्टअप फाइनेंस। प्लीज ये दो चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन आता ही है, मतलब 12 मार्क तो ये दोनों चैप्टर मिला के है ही फिक्स। सो इसको बराबर से करके जाने का ही है पब्लिक। पास्ट पेपर का कंपाइलेशन प्लस क्विक रिवीजन पीडीएफ मेरे पास रेडी है। ये रहा सीए फाइनल पास्ट पेपर्स फुल थियोरी। सो आपको इससे आइडिया भी आ जाएगा कि फुल थियोरी में क्या क्या है क्या क्या नहीं। एंड प्लस इसी के साथ एंड में मैंने क्या किया है, सीए फाइनल एसएफएम 15 पेजेस फुल थियोरी इज नाउ अवेलेबल विद यू। सो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अगर आपको देखना है कि भाई पास्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे मेरे, वो आपको देखना है एक रेफरेंस के लिए कि भाई थियोरी में मैं इतना ही पढ़ के जाना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम दिस इज अवेलेबल। और ओवरऑल एक आइडिया के हिसाब से भी मैं करके जाना चाहता हूँ, इसी पीडीएफ में मैंने एंड में वो 15 पेजेस डाल दिया है। जो ये 15 पेजेस आप भी करके चले गए ना, आपका थियोरी का काम हो जाएगा जो एक डिफिकल्ट पेपर में आपको सेव कर सकता है। सो प्लीज डू इट प्रॉपरली। मैजिक बुक रिवीजन, अब तक मैं पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स फॉरेक्स आईआरआरएम फुल थियोरी इन 1 आवर ये सब चीज डाल चुका हूँ। लास्ट टाइम का एक मैराथन भी है, सो ये सब चीजें मैं डाल सकता हूँ, डाल चुका हूँ। आपको कोई प्रायोरिटी पे और कोई चैप्टर चाहिए, योर ब्रदर इज रेडी टू हेल्प यू, लेट मी नो। कौन से क्वेश्चंस मुझे ऐसा लग रहा है आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे चुका हूँ। सो प्लीज ये जो आपका पीडीएफ है इसको प्रॉपरली कर लो। टॉप 75+ क्वेश्चंस है, खाली इतना कर लोगे ना तो ये 2-3 दिन में आपका हो सकता है विद थियोरी, ट्रस्ट मी। सो ये हो गया पीडीएफ और ये मेरा दूसरा पीडीएफ। ये दो पीडीएफ अगर आप लोग ने बराबर से कर लिए ना गाइस, तो समझ लो अपना एग्जाम्पशन का काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो रिवीजन जितना करोगे, अगर वो फॉर्मूला बुक भी बन गया देन इन दैट केस यार अच्छा खासा कंपाइलेशन आपके पास आ जाएगा। फिर मुझे नहीं लग रहा है आपको इस कोई भी सब्जेक्ट में डरने की जरूरत है। फिर बाद में आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे लग रहा है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन माय एनालिसिस। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लिए मालूम है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के पॉइंट्स आते हैं, कैलकुलेट द कन्वर्टेबल वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ऑल ऑफ दैट एक्सपेक्टेड। बॉन्ड रिफंडिंग डिफिकल्ट है थोड़ा, बट उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आई मे मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो वो करना बराबर से। उसके लिए उसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है ऐसा मुझे लगता है। सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। पोर्टफोलियो मॉडल में शार्पे इंडेक्स, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट उसको इग्नोर कर रहा है। इस बार अगर उसने अपनी बात सुन ली तो इट मे आस्क इट। म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्टमेंट प्लस बोनस वाला जो क्वेश्चन है, सन मून लिमिटेड या डिविडेंड इक्वलाइजेशन वाला क्वेश्चन वी कैन बी आस्क्ड। देन यू हैव अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में मार्जिन्स इन फ्यूचर्स, ऑप्शंस वैल्यूएशन विद बाइनोमियल, हेजिंग विद इंडेक्स फ्यूचर्स, सो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉरेक्स मनी मार्केट हेज, लीडिंग लैगिंग आ सकता है, एंड फॉरेन बैंक अकाउंटिंग जैसे नोस्त्रो वोस्त्रो वाला। आईएफएम में रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू जीडीआर एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आईआरआरएम में इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के ऊपर आ सकता है, कैप कॉलर एंड फ्लोर, एंड मर्जर्स में स्वॉप रेशियो बेस्ड ऑन वेट्स, प्रोमोटर एंड फ्री फ्लोट होल्डिंग। सो ये पीडीएफ डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ये सारे कर लेना। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए। इन टर्म्स ऑफ थियोरी एक्सक्लूसिवली पास्ट पेपर प्लस क्विक रिवीजन पीडीएफ मिल गया है। बोलो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई। अगर अच्छा लग रहा है डेफिनेटली प्लीज बोलते ना शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक जरूर करना, इट विल हेल्प यू। देखो लाइक करोगे ना गूगल या यूट्यूब आपको हेल्प करेगा, मेरे और ऐसे अच्छे वीडियोस आपको दिखाएगा एंड इट विल बी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन डेफिनेटली। डू थ्रो इन योर कमेंट्स इफ यू लाइक दीज कंपाइलेशन। फिर अब आ जाते हैं अपन लोग अपने एस सी एम पी के ऊपर। तो जो ग्रुप टू वाले हैं, जो दोनों ग्रुप वाले हैं वो कंटिन्यू करें, ग्रुप वन वाले बाय बाय। एस सी एम पी वालों अब तुम्हारी बारी। सबसे पहले है मेरा ये सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। एंड ये देखो इधर प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का लिस्ट मेरे पास रेडी है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा मैं एक और बात बता दूं, अगर एसएफएम वाले कंटिन्यू कर रहे हैं तुम लोग तो मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, ये रहा यहाँ पे
तो ये पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये कहना ट्राई करता हूं, मैं गूगल ड्राइव पे सारा अपलोड कर दूंगा, एसएफएम के भी जितने भी नोट्स है, एससीएमपी के भी जितने भी नोट्स है, सारा एक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको खाली वो गूगल ड्राइव पे जाना है एंड आपके पास सारे नोट्स का कंपाइलेशन आ जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। कैसा लगा आइडिया? डन। सो वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा या डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर कर दूंगा, विल बी हेल्पफुल टू यू एज वेल। सो ये कौन से क्वेश्चंस आपको अभी लास्ट मोमेंट पे करने हैं, अगर मॉड्यूल रिफर कर रहे हो तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस, वही सेम क्वेश्चंस ऑप्टिमाइज में, तो वो भी मैंने मार्क कर दिया है। अगर आप ऑप्टिमाइज को यूज कर रहे हो देन इन दैट केस आपको स्कैन कोड भी मिल जाएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो आप स्कैन कोड के थ्रू भी रिफर कर सकते हो। आई होप यू विल यूज इट। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का लिस्ट आ गया। थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है एससीएमपी में, उसका भी क्विक रिवीजन नोट्स आप लोग के साथ शेयर होने वाला है। यस, यू हर्ड दैट राइट, क्विक रिवीजन नोट्स फॉर एससीएमपी ही ये रहा, फटाफट और विद बारकोड सारा चैप्टर इसमें आपका रिवाइज हो जाएगा एकदम क्विक लेवल पे, कुछ एकदम इनडेप्थ नहीं। मेन मेन पॉइंट्स जो आपको चाहिए होता है ना भाई, मेन वर्ड्स सर, की वर्ड्स क्या है वो ध्यान में रखना है, लो ये ला कीवर्ड्स का पूरा एक कंपाइलेशन, चैप्टर समरी, कीवर्ड्स का कंपाइलेशन, कीवर्ड्स का कंपाइलेशन खत्म। और आपको रिवीजन करना है, ये लो आपको स्कैन कोड दे दिया है, स्कैन करो, और रिवीजन भी दे दिया मैंने इसका साथ साथ में। व्हाट इट गाइस, सो इस हिसाब से आपको प्रॉपरली चीजों को फॉलो करना है एंड यू विल बी डन। चलो, सो ये कंपाइलेशन थ्योरी का है, क्विक रिवीजन नोट्स ऑफ थ्योरी गूगल ड्राइव पे सब चीजें मैं शेयर कर दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी। एंड केस स्टडी डाइजेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड बाय मी सर, वो कहां पे मिलेंगे? वो भी यहां पे ही मिलेंगे। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम केस स्टडी डाइजेस्ट एंड आईसीआई मॉड्यूल। सो ये क्वेश्चंस विदाउट फेल आपको करके ही जाना है। तो एसबीएक्यू स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन का, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर का क्वेश्चन 43 है इंक्रीमेंटल प्राइसिंग के ऊपर, पेज 261 करके ही जाना है, डिसीजन मेकिंग का पेज 258 करके ही जाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईएमए आरटीपी का क्वेश्चन है, प्लस केस स्टडी डाइजेस्ट में भी है, करके ही जाना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट गाइड वाला क्वेश्चन है, करके ही जाना है, केस सिनेरियो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके ही जाना है, ये सब भी आप लोग के पास कंपाइलेशन। सो अभी 3 दिन में इतना सारा चीज तो पढ़ नहीं पाओगे, तो 50 क्वेश्चन का लिस्ट हो जाएगा, थ्योरी का क्विक रिविजन लिस्ट विद मैजिक रिविजन हो जाएगा, केस स्टडी डाइजेस्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ हो जाएगा, आईसीआर मॉड्यूल में से भी जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है वो भी मार्क कर दिए इसी में, डन। ठीक है, चलो मैजिक बुक रिवीजन प्लीज एटलीस्ट 3-4 बार सुन लेना, सब चीजें याद रह जाएगी, थ्योरी का भी है प्रैक्टिकल का भी है। गाइस प्लीज प्रैक्टिकल का भी मैजिक रिवीजन मैंने करवाया है, यस, सो ऑल इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल चैप्टर्स डन, चाहे विद कॉस्टिंग तो है आप लोग के 10-10 मिनट के क्विक रिवीजन के लिए, एंड दैट शुड बी सफिशियंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज ये रहा, किधर गया? चलो वो भी मेरे पास रेडी है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ये रहा वो कंपाइलेशन एंड हियर इट इज, दिस इज फ्रॉम दिस। चलो ना, वो भी कंपाइलेशन है मेरे पास रेडी, सो आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल। सो आई थिंक ऑल इन ऑल उसमें आपको सीक्वेंस भी मिल जाएगा, उसमें आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी जो एक्सपेक्टेड है ये बार वो भी मिल जाएगी, एट द सेम टाइम कैसे उसको स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे केस स्टडीज को आंसर करना है वो भी मैंने उसमें बता दिया है। सो एससीएमपी जस्ट यूज दिस, गूगल ड्राइव का लिंक दे रहा हूं, क्लिक करो, उसमें एससीएमपी का जो फोल्डर होगा उस पर क्लिक करो, एससीएम की फोल्डर में प्रॉपर कंपाइलेशन रहेगा प्रैक्टिकल का, थ्योरी का, केस स्टडीज में से जो इंपॉर्टेंट करना है वो, और सीक्वेंसिंग का एन इंपॉर्टेंट जो आपको कॉन्सेप्ट करने हैं। दैट्स इट, इतना कर डाला, वाइफ जिंगा लगाया। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज फ्रॉम माय एंड, यू कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस, थ्योरी, प्रैक्टिकल, जो आप यहां पे बोलना चाहते हो, एंड ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन फॉर द एग्जाम्स। बाकी मैराथन लेने वाला हूं मैं, डोंट वरी, एंड एग्जाम के टाइम पे मिलते हैं with full josh, and anything else let me know, take care, keep smiling, bye bye, thank you so much, hasta la vista, stay subscribed to our channels guys, specially telegram channel, kafi sari cheeze isme aati hai, kuch test agar ek do likhna hai to mujhe bata dena, main share kar dunga tum log ke liye।
सो एक बोलते हैं ना, एक राइटिंग प्रैक्टिस उस बहाने हो जाएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू, कीप स्माइलिंग, हास्ता ला विस्ता।